गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम जनेन चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम किस विषय पर बात करेंगे, आज हम बात करेंगे आपके जो कंडक्टर यूज किए जाते हैं 11 केवी के लाइन के लिए या 33 केवी लाइन के लिए, ठीक है, उस पर जो कंडक्टर यूज किया जाता है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं बेजल कंडक्टर की, जो कि 11 केवी लाइन के लिए यूज होता है ना, पहले यूज किया जाता था, उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना होती है, 65 डिग्री के टेम्परेचर पर 114 एम्पियर और 75 डिग्री टेम्परेचर पर 138 एम्पियर, मतलब मिनिमम मैक्सिमम अगर समझना हो तो 114 से लेकर 138 एम्पियर के बीच। इसके बाद बात आती है रैबिट कंडक्टर की, रैबिट कंडक्टर कितना होता है, 55 स्क्वायर mm कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। अब इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 157 से लेके मतलब 157 एम्पियर और 190 एम्पियर, इसके बीच में अगर करंट कैरिंग कैपेसिटी तो आपका रैबिट कंडक्टर होगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है आपका कौन सा, अभी हमने बात की विजल रैबिट, अब तीसरा जो बात आएगी वो रैकून कंडक्टर, रैकून कंडक्टर का कितना होता है, 80 स्क्वायर एमएम का कंडक्टर कहलाता है। अब इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 200 एम्पियर से लेके 244 एम्पियर के बीच, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है डॉग कंडक्टर, डॉग कंडक्टर का कितना होता है करंट कैरिंग कैपेसिटी, 239 से लेके 291 एम्पियर के बीच होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो भी कंडक्टर यूज किए जाते हैं उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, और ये पूरे कंडक्टर ACSR कंडक्टर के टर्म्स में इनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, विजल कंडक्टर, रैबिट कंडक्टर, रैकून कंडक्टर और डॉग कंडक्टर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में समझने में आसानी हुई होगी। आप सभी लोगों के प्यार और स्नेह के लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद।